वो किसी जाति की हो, समाज की हो। अब बहनों से कोई जात थोड़ी पूछूंगा मेरी बहनों, बहने तो बहने होती है, सारी बहने। उनके खाते में 1000 रुपया महीना डालना शुरू करूंगा, हर महीने 1000। अब आप इसका असर देखिए। कुछ लोग पूछ रहे थे शिवराज तो बांट रहा है। मैं बांट नहीं रहा, मैं अपनी बहनों की जिंदगी बदल रहा हूं। हम परिवार को सशक्त कर रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, भाइयों से भी कह रहा हूं, बहन अगर सशक्त होगी तो परिवार सशक्त होगा, परिवार सशक्त होगा तो समाज सशक्त होगा, और समाज सशक्त होगा तो देश सशक्त होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। और इसलिए ये 1000 रुपया हर महीने डालेंगे तो बताओ साल भर में कितने मिलेंगे। जब बहनों वो जोर से बताओ कितने मिलेंगे, 12000। अच्छा ये एक परिवार को मिलेंगे। एक परिवार का मतलब समझाता हूं, पति पत्नी और उसके बच्चे एक परिवार। अब बताओ कोई परिवार में 2 बहुएं हुई तो कितने मिलेंगे, 2000। और साल भर में कितने हो जाएंगे, 24000। तो 2 बहुएं हुई तो परिवार में आएंगे 24000। और एक बात और सुनो, अगर वो किसान परिवार हुआ तो प्रधानमंत्री जी भेजते हैं 6000, मामा देता है 4000, कुल कितने हो जाते हैं, 10000। तो ये 10 24 में जोड़ो, बोलो कितने हो गए, अरे जोर से बोलो ना, 34000। और अगर घर में सासू जी हुई बूढ़ी जिनको पेंशन मिलती है तो अभी मिलती है 600 रुपया, उसको बढ़ा के कर दूंगा 1000 रुपया। तो सास जी को फिर साल भर में कितने मिलेंगे, अरे भैया हिसाब किताब कर, बहनों से पूछना तो ना कितने मिलेंगे बताओ, 12000। तो अभी 34 हुए थे, 34 में 12 जोड़ो भैया कितने हो गए, 46000। अब ये बताओ अगर साल भर में 46000 रुपया परिवार में आ गया तो परिवार की हालत सुधरेगी कि नहीं, जोर से बताओ सुधरेगी। तो ये जिंदगी बदलने का अभियान है, ये कार्यक्रम नहीं है, जिंदगी बदलने का। और एक बात और सुने, बहनें कभी भी पैसे का गलत उपयोग नहीं करेंगी। अगर पैसा होगा तो सबसे पहले काय पे खर्चा करेंगे, बच्चे को अच्छा दूध मिल जाए, बच्चे को सब्जी मिल जाए, बच्चे को फल खिला दूं, बच्चे को दाल ला दूं, कोई ना कोई ऐसी चीज खरीदेगी जिससे बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे। सही बात है कि नहीं। भाई एक बार गलत खर्चा कर सकते हैं लेकिन बहन नहीं कर सकती, और वक्त मौका पे बचा के भी रखेगी थोड़े बहुत। और जब कभी अभी पतिदेव को जरूरत पड़ गई तो अभी तो पति से पैसा मांगती कि लाओ जरा मायके जा रही, जरा 500 रुपया तो दे दो। तो पतिदेव कई बार डांट देते कहां से ले आऊं, नहीं है। लेकिन अब स्थिति बदल जाएगी, बहन पैसा बचा के भी रखेगी, और कभी पतिदेव का मोह उतरा, परेशानी में आए और पता चला कि पैसे की जरूरत है तो कहेगी गुड्डू के पापा चिंता मत करो ले जाओ मेरे पास रखे, तो घर का काम चलाएगी, घर का काम चलाएगी, और उसके कारण बहन की इज्जत भी घर में बढ़ जाएगी। बोलो बढ़ जाएगी कि नहीं। और एक फायदा और होगा, कभी कभी सास और बहू की तनातनी होती रहती है, लेकिन जैसे ही 1000 रुपया मिलेगा तो सासू मां भी कहेगी अरे बहू की रोटी में भी घी लगा दो, और जब सासू जी को 1000 रुपया आएगा तो बहू कहेगी सोने के पहले माता जी के पांव तो दबा दूं जरा। तो बताओ सास बहू का प्रेम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, सास बहू का प्रेम भी बढ़ जाएगा।
ये परिवार की स्थिति बदलने वाली योजना है। और सुनो, इस योजना को कैसे चालू करना है, मैं भाषण भाषण नहीं दे रहा, मैं दिल की बात कह रहा हूं। मैं अपने कार्यकर्ताओं से कह रहा हूं, भैया तुम भी समझ लो सर। पहले हम 8 मार्च को करने वाले थे, ये बात सही है, लेकिन उस दिन होली है, महिला दिवस पे, तो होली के दिन नहीं कर सकते। तो हमने सोचा 5 मार्च को आवेदन का फॉर्म भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम करके मैं जारी करूंगा, पहला फॉर्म भरा जाएगा आवेदन का, और भोपाल में 5 मार्च के दिन मैं रहूंगा और आप लोग हर पंचायत में हर वार्ड में रहेंगे, उसी समय मुझे सुनेंगे टीवी के सेट पे। मैं पूरी योजना के बारे में जानकारी दूंगा, यह कलेक्टर का बिस्तर है। 5 मार्च को दोपहर को 1 बजे भोपाल में मैं रहूंगा, वहां बहने रहेंगी, एक लाडली बहना कुंभ होगा उस दिन, और बाकी बहने अपने वार्ड में बैठेंगी और अपनी पंचायतों में बैठेंगी। पहला फॉर्म उस दिन भरा जाएगा और पूरी जानकारी आपको देंगे। फॉर्म में कुछ नहीं होगा, सीधे नाम, पति का नाम, पता, खाता नंबर, अकाउंट नंबर। खाता नंबर सबके पास है कि नहीं? बैंक में खाते कौन कौन के, हाथ उठाओ जरा, सबके हैं? अब मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करवा दिया, सबके खाते खुलवा दिए तो सबके खाते है ही, और कहीं जाना नहीं है फॉर्म भरने, नहीं तो चक्कर लगा लगा के मर जाओ, कहीं नहीं जाना। आपके गांव में ही फॉर्म भरवाने आएंगे कर्मचारी अधिकारी, और हमारे जनप्रतिनिधि और भाजपा के कार्यकर्ता भाई रहेंगे गांव में ही भराना चाहिए ना, क्योंकि दूर जाओ तो पता चलो परेशान, समय, किराया, भाड़ा, लाइन, और एक दिन में नहीं भरना है, आराम से बड़ी पंचायत तो 3 दिन में भरो जी, 4 दिन में भरो, मामा की तो सरकार है, काय की चिंता है, करते थोड़ी भरना है, आराम से भरो, कोई परेशानी की बात नहीं है। बड़े वार्ड शहरों के तो वार्ड के 4 हिस्से कर दो, 4 जगह भरो। तो मार्च और अप्रैल में आवेदन भराए जाएंगे, मई में इनकी जांच हो जाएगी, और 10 जून को, तारीख बता रहा हूं, 10 जून को आपके खाते में पैसा आ जाएगा, पहला खाते में 10 जून को। मेरे बहनों और भाइयों, जिंदगी बदलना इसलिए अभियान, और हर महीने जगदीश जी वो भी पैसे का इंतजाम कर लेना, वो तय कर दिया मैंने, हर महीने 10 तारीख को पैसा डालेंगे, तारीख फिक्स, 10 तारीख को आ गया, जैसे कर्मचारी भाइयों बहनों की तनख्वाह आती है, 10 तारीख को सीधे बहनों के खाते में पैसा। अगर 10 को इतवार मितवार की छुट्टी हुई तो एक दिन और आगे हो सकता है। अब मेरी बहनों बताओ, अच्छी योजना है कि नहीं? सब बहनें जोर से हाथ उठा के बताओ, अच्छी है कि नहीं योजना? ये योजना बदल देगी जिंदगी, और अकेली ये थोड़ी है, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों और बाकी सरकारों में अंतर देख लो आप। एक थे कमलनाथ दादा मुख्यमंत्री, 1,000 रुपया वो गरीब बहनों को देता था, बेगा, भारिया, सेरिया, वो ही खा गए, वो ही बंद कर दिए थे, वो ही देना बंद कर दिए, 1,000 रुपया देने उन्हें बंद कर दिए। बच्चों को देता था 75% 12वीं में लाते थे तो लैपटॉप, वो भी बंद कर दिया। तीर्थ दर्शन योजना, वो भी बंद कर दी। कर्जा माफी कह के कर्जा माफ किया नहीं, ब्याज की गठरी और सर पर धर दी। किसान भाइयों, पूरा इंतजाम कर रहा हूं, जितना ब्याज है तुम्हारे ऊपर, कर्जा माफी के कारण जो डिफॉल्टर हो गए उनका ब्याज मैं भरवा के 0% ब्याज पे फिर से दिलवाना शुरू करूंगा। उन्हें धोखा दिया, छला, एक एक करके संबल योजना बंद कर दी, प्रसूति सहायता बंद कर दी, मतलब बेटा बेटी को बहन जन्म दे तो हमने तय किया था जन्म देने के पहले 4,000, जन्म देने के बाद 12,000, वो योजना भी बंद कर दी। बहनों के लड़ुआ भी कमलनाथ और कांग्रेस के लोग खा गए थे, उसी के पैसे खा गए। तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी बुजुर्गों की, बुजुर्गों तीर्थ दर्शन फिर शुरू हो गई है, रेल से अभी हो रही है, लेकिन अकेले रेल से नहीं ले जाऊंगा, अब हवाई जहाज से भी ले जाऊंगा, हवाई जहाज से, ये मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। जहां जहां हवाई पट्टियां हैं तीर्थों में,
अब हवाई जहाज से भी यात्रा होगी, तीर्थ दर्शन यात्रा। अरे हमारे बुजुर्गों को एक बार हवाई जहाज में बैठ लेने दो यार, बोलो बैठना चाहिए कि नहीं। इसीलिए तो बहादुर कह रहा था नया जमाना आएगा, यही नया जमाना है, लोगों की जिंदगी बदलना है, गरीब को राशन मिल जाए। कभी दिया था कांग्रेस ने कोई बता दो, गरीब को निःशुल्क राशन, जिन लोगों के पास रहने की जगह नहीं है, गांव में भी रहने की जगह नहीं है, एक घर में कई परिवार रह रहे हैं, कई परिवार का मतलब भाई होंगे, चार भाई हो गए, अब चार भाई कहां रहे, रहने की जगह ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को अलग प्लाट देके, पट्टा देके जमीन का मालिक बनाएंगे ताकि रहने की जगह तो मिल जाए। यहां कलेक्टर कहां है, या भूआवासी अधिकारी योजना के कितने आए अभी, अभी अभी कितने स्वीकृत हुए, अब जरा देखो बारीकी से, जिनकी नहीं है उनको प्लाट भी देंगे, और अगर वैसे जमीन नहीं मिलेंगे तो कहीं खरीद के भी दूंगा, चिंता मत करना, रहने की जमीन का मालिक तो बनाऊंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बन जाए उसका इंतजाम लगातार, 8 लाख मकान इस साल बन रहे हैं, फिर 8 लाख मकान बनाएंगे, तब तक बनाते रहेंगे जब तक हर गरीब को पक्की छत ना मिल जाए। मेरे भांजे भांजी उनकी पढ़ाई में कोई व्यवधान ना हो, इसलिए मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, जिसके अंतर्गत बच्चों की उच्च शिक्षा की, मेडिकल इंजीनियरिंग की फीस भराने का काम भी हम कर रहे हैं। और मेरे नौजवान बेटा बेटियों, आज रोजगार दिवस है, तुम्हें मैं एक बार फिर बताना चाहता हूं, अभी हमने तय किया था 1,14,000 लोगों को सरकारी नौकरी इसी साल देंगे, लेकिन अब यह संख्या बढ़ के हो गई है 1,24,000। सरकारी नौकरियों में भर्ती जारी रहेगी, निकालता रहूंगा, लेकिन उसके साथ साथ स्वरोजगार की योजना में, आज रोजगार दिवस है, ओम प्रकाश जी बता रहे थे आप, स्वरोजगार की योजनाओं के अंतर्गत आज नररी 13 लाख ना, 13,58,000 से अधिक बेटे बेटियों को 9,868 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंचाए जा रहे हैं, अपना स्वरोजगार चलाने के लिए, अपना काम धंधा चलाने के लिए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, एक नहीं अनेकों योजना के अंतर्गत हम पैसा जुटा के बैंकों से बात करके ब्याज की सब्सिडी देके नौजवान, और केवल नौजवान नहीं, अगर कोई स्ट्रीट वेंडर है, फल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, बाल काटने वाला, जूता सीने वाला, कपड़ा धोने वाला, चाय की गुमटी वाला, पान बेचने वाला, छोटा मोटा किराने की दुकान वाला, इन सबको ये पैसा देके इनका काम धंधा चल जाए, रोजी रोटी की जुगाड़ हो जाए, इसका इंतजाम कर रहे हैं, इसलिए आज रोजगार दिवस मना रहे हैं। हर महीना रोजगार दिवस होगा, बीच में एक महीना नहीं कर पाए थे हम, हर महीना रोजगार दिवस होगा, सरकारी नौकरियों में भी रोजगार देंगे, रोजगार दिवस आयोजित करके स्वरोजगार का लोन भी दिलवाएंगे, वो भी रोजगार चलवाएंगे। आजीविका मिशन की मेरी बहनों, जरा हाथ उठाओ आजीविका मिशन वाली बहनों, ये मेरी आजीविका मिशन की बहन है, इन बहनों से मैं कह रहा हूं, तुम्हारी आजीविका की गाड़ी ठीक चले, इसलिए लगातार केवल 2% ब्याज पे कर्जा, बाकी ब्याज मैं भरवा रहा हूं। हमने कई काम धंधों के लिए देने का प्रयास किया है, और कई बहनें अब इतना धन कमा रही है कि उसके कारण इज्जत से, सम्मान से, आराम से उनका परिवार चल रहा है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं, जिंदगी बदलने का अभियान है। कुर्सी पे बैठ के हमको सत्ता का सुख नहीं भोगना बहनों और भाइयों, दिनों रात तपस्या करके आपकी जिंदगी बदलने का अभियान चलाना है, आपकी जिंदगी बदलने का अभियान। और देखो क्रांति कैसे होती है, एक और षड्यंत्र किया कांग्रेस के लोगों ने, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी लाद गए, अंग्रेजी लाद गए, अब ऊंची पढ़ाई मेडिकल इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की कायम होगी, बोले अंग्रेजी में हो गई। अब आप बताओ, साधारण बात है गांव वालों, शहर के भी मेरे गरीब और मध्यम वर्ग की बहनों और भाइयों, क्या गांव में हमारे बच्चे अंग्रेजी जानते हैं? अरे बोल के बताओ, जानते हैं क्या?
नहीं जानते। अब बुद्धि है, अकल है, लेकिन अंग्रेजी नहीं आती। और जैसे ही अंग्रेजी में पढ़ाई होती तो बेचारे परेशान हो जाते हैं। एक डॉक्टरी में एडमिशन हुआ, बीच में पढ़ाई छोड़ के भाग आया। मैंने कहा क्यों छोड़ दी? बोले अंग्रेजी नहीं आती तो क्लास में समझ में नहीं आता। एनएमआरसी टीटी घरे टुकरिया पीटी, बोले हिंदी में तो पढ़ लेते, अब अंग्रेजी में कहां से पढ़े, पल्ले ही नहीं पड़ रही। तो ये कुछ बड़े लोगों का षड्यंत्र था कि अंग्रेजी में पढ़ाई करो तो गरीब के बेटा बेटी रह जाए। अब सुनो महिदपुर वालों, हमने तय किया है मध्य प्रदेश की धरती पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में की जाएगी, हिंदी में। अरे गरीब के बेटा बेटी को भी डॉक्टर बनने दो ना भाई, किसान के बेटा बेटी को भी डॉक्टर बनने दो भाई, क्या तकलीफ है तुम्हें? हिंदी में पढ़ने दो, हिंदी में बात करेंगे, हिंदी में दवाई देंगे, हिंदी में दवाई का नाम लिख देंगे, क्रोसिन हिंदी में लिख दो, क्या दिक्कत है? कौन सी बड़ी बात है? ऐसा अंग्रेजी का हुआ कि कुछ लोग, बड़े बड़े लोग, उनके बेटे ही बेटी पढ़े, बाकी पढ़ ही नहीं पाए। और इसलिए हमने कहा हिंदी में होगी, ये मध्य प्रदेश है, अंग्रेजी बाबू दादागिरी नहीं चलेगी, या दादागिरी नहीं चलेगी। यही नया जमाना है मेरे बहनों और भाई। घर घर पानी पहुंचाने का इंतजाम ईमानदारी से बताना है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती और शिवराज मुख्यमंत्री नहीं होता तो इतनी सिंचाई हो पाती क्या? जोर से बता, हो पाती क्या? इनको सिंचाई से लेना देना नहीं, इनको पानी से लेना देना नहीं, इनको शिक्षा से लेना देना नहीं। क्या स्कूलों की हालत करी थी? 500 रुपया देते थे गुरुजी को, ये पढ़ाने वालों को 500 रुपया। दिग्विजय सिंह कमलनाथ का 500 रुपया में कोई पढ़ाता? कैसे जिंदगी चलती? हमने बढ़ा के तनखा कर दी 40,000 से लेकर 50,000 रुपया तक, ताकि ढंग से पढ़े। और सीएम राइज स्कूल खोल रहे हैं, ये सीएम राइज स्कूल प्राइवेट स्कूल से बढ़िया बना के दे रहे हैं, ताकि गरीब के बेटे बेटी भी अच्छी पढ़ाई पढ़े। और एक काम और कर रहा हूं, इसको भी ध्यान से सुनना, इसको भी ध्यान से सुनना। अब हम मध्य प्रदेश में नए नियम बना रहे हैं कि मेडिकल में जो भर्ती होती है मेडिकल कॉलेज में, नीट की परीक्षा के माध्यम से होती है। अब उसमें सरकारी और प्राइवेट स्कूल, जब दोनों के बच्चे मैंने देखे तो ज्यादा भर्ती होती है प्राइवेट स्कूल वालों की। सरकारी में पढ़ते गरीब के, किसान के, गांव के बच्चे। और इसलिए अब हम ये करेंगे कि मेडिकल की परीक्षा के लिए भी, इंजीनियरिंग की परीक्षा के लिए भी सरकारी स्कूल के बच्चों की अलग मेरिट लिस्ट बनाएंगे, ताकि एक निश्चित संख्या में वो आ सके। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? ये जिंदगी बदलने का अभियान है मेरा, जिंदगी बदलने का, गरीब के लिए, किसान के लिए, मध्यम वर्गीय के लिए। और लगातार एक नहीं, ऐसे अनेकों प्रयास चल रहे हैं। एमएसएमई उद्योग हमारे, अब इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, 15,42,550 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए, 29,00,000 बच्चों को रोजगार मिलेगा। ये उद्योग हम तेजी से जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि फैक्ट्रियों में भी रोजगार मिले। एक के बाद एक आते जा रहे हैं, महाकाल महालोक बन रहा है, अद्वैत वेदांत संस्थान बन रहा है, अलग अलग धार्मिक स्थलों का विकास भी हो रहा है। और मेरी बहनों, मैं जानता था ये जितने भी अहाते बने थे, दारू के, शराब के अहाते, बोतल खरीदी और अहाते में बैठ के पी, और पीने के बाद होश खो दिए, और जब अहाते से निकले तो डोलते डालते गिरते पड़ते चले जा रहे। कई माता बहन दिख गई तो उन पर ही कमेंट कर रहे। सुनो मेरी बहनों, 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश में कोई दारू का अहाता नहीं बचेगा, सब बंद कर दिए जाएंगे। इकतीस मार्च तक का ठेका 1 अप्रैल से बंद। अब जिसको पीना है भैया घर ले जाओ बोतल, और घर में बहनों से कह रहा हूं जरा लठ तैयार रखना, और भांजे भांजी को भी झुमा दू, पापा अगर बोतल खोले तो पकड़ लेना कि ये नहीं चलेगी। ये जनता की जिंदगी बदलने के प्रयास है। इन सारे प्रयासों को मेरे बहनों और भाइयों,
आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। बोलो सबका सहयोग मिलेगा, पीछे तक दाएं बाएं बताए सबका सहयोग मिलेगा, सबका साथ मिलेगा। हम बदलना चाहते हैं जमाने को, उसमें हम कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन साथ आके खड़े हो जाओ मेरे बहनों और भाइयों, नया मध्य प्रदेश बना के आपको दे देंगे, नया मध्य प्रदेश आपको बना के दे देंगे। और भाई बहादुर सिंह चौहान जी, आपने मेहनत और ईमानदारी से काम किया, सांसद जी भी मेहनत से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर कई मांगे मांग ली आपने, एक ने अनेकों मांगे, आज बहादुर सिंह जी ने फिर कर ली। उन्होंने कहा कि छिपरा नदी पे चिताबद में बृहद सिंचाई योजना मैं पूरा सर्वे करवा लूंगा, तकनीकी दृष्टि से साध्य तो बना के दे देंगे, चिंता मत करो। इंदौर डैम के कमांड क्षेत्र में प्रोसर इरिगेशन योजना, पानी है तो पाइप में भर के ले जाएंगे, चिंता मत करो। आपने अलग अलग कस्बों में सीएम राज स्कूल की बात कही है, सीएम राज स्कूल भी खोल देंगे, महितपुर में 132 केवीए का विद्युत का ग्रिड भी चालू कर देंगे, उसको भी स्वीकृत कर देंगे। जितनी आपने मांगे कही, एक एक का परीक्षण करके मेहनत से काम करते जाओ, ईमानदारी से जनता के बीच में रहो, सेवा दिन रात करो, ये सारे काम करेंगे। और जाने के पहले मेरी बहनों और भाइयों, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, साथ चाहिए, और ये साथ देने के लिए कि भाजपा की सरकार के साथ चलेंगे, मामा के साथ चलेंगे, मोदी जी के साथ चलेंगे। बोलो ये संकल्प लोगे सब, इधर वाले भी लेंगे तो अपने अपने स्थान पर सब खड़े हो जाएं, बहनें भी खड़ी हो जाएं, खड़े होकर संकल्प लेंगे कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं, हम मिलकर साथ चलेंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, महाकाल महाराज की, छिपरा मैया की, हर हर महादेव। मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं, जीऊंगा तो आपके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। अब आगे बंटवा दे और चल जाए। और अब निवेदन मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगणों से कि कृपया अपना स्थान ले ले, और आप सभी से भी निवेदन कृपया अपना स्थान ले ले, अभी कार्यक्रम में बहुत कुछ अभी बाकी है आप सभी के लिए, तो आप सभी अपना स्थान ले सकते हैं। और निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे बीच कुछ हितग्राही हैं, उनको लाभ वितरण करें, और इसी क्रम में सबसे पहले सोनू बैरागी को आमंत्रित करेंगे, जिन्हें स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए का स्वीकृति पत्र दिया जाएगा। NULM योजना के अंतर्गत आप पेंटिंग का कार्य करते हैं, सोनू बैरागी को मंच पर आमंत्रित करेंगे, और आप सभी से निवेदन कृपया अपना स्थान ले लें। मुख्यमंत्री जी की लाडली बहनें और सभी देवियों सज्जनों से पुनः निवेदन कृपया अपना स्थान ले ले। आइए तालियों के साथ हमारे जो हितग्राही हमारे बीच पधार रहे हैं, सोनू बैरागी, राजेश, जिन्हें स्वरोजगार योजना के अंतर्गत फर्नीचर के लिए 1.5 लाख रुपए के लिए स्वीकृति पत्र प्रदान किया जा रहा है, भावना को आमंत्रित करेंगे, जिन्हें PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर से सिलाई मशीन के लिए 50,000 रुपए के लिए स्वीकृति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदान किया जा रहा है। सोनू बैरागी हमारे साथ, सोनिया परिहार, जिन्हें NRLM के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए की राशि के रूप में सिंबॉलिक चेक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भेंट स्वरूप दिया जा रहा है। हमारे साथ मंच पर भावना है, इसके बाद सोनिया परिहार को आमंत्रित करेंगे, जिन्हें NRLM के अंतर्गत 1 करोड़ का सिंबॉलिक चेक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भेंट किया जा रहा है। आइए तालियों के साथ इन सभी हितग्राहियों का स्वागत करें, और साथ ही ललिता एवं मंजू को आमंत्रित करेंगे, जिन्हें NRLM के अंतर्गत 1 करोड़ का सिंबॉलिक चेक माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा दिया जा रहा है। तारा पांडे को आमंत्रित करेंगे,
और आपको भी NRLM के अंतर्गत 1 करोड़ का सिंबॉलिक चेक दिया जा रहा है। तारा पांडे और रूपाली हमारे साथ मंच पर सरोज मुवाला को आमंत्रित करेंगे, जिन्हें NRLM मसाला पैकेजिंग के लिए 5 लाख रुपए का सिंबॉलिक चेक भेंट किया जा रहा है। सरोज मुवाला और अब मंच पर राजेंद्र सिंह सोलंकी, जिन्हें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत कर टेंट हाउस के कार्य के लिए स्वीकृति पत्र दिया जा रहा है। राजेंद्र सिंह सोलंकी 18 लाख रुपए का स्वीकृति पत्र राजेंद्र सिंह सोलंकी को। विनोद कुमार देवड़ा को आमंत्रित करेंगे, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, जिन्हें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए 9,90,000 का स्वीकृति पत्र दिया जा रहा है। 9,90,000 का चेक दिया जा रहा है विनोद कुमार देवड़ा जी को। और शिव सिंह, जिन्हें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत टेंट हाउस कार्य के लिए 9,40,000 रुपए का स्वीकृति पत्र दिया जा रहा है। शुभम मुड़ूत को आमंत्रित करेंगे मंच पर। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत किराना व्यवसाय के लिए 8 लाख रुपए का सिंबॉलिक चेक दे रहे हैं शुभम मुड़ूत। रवि प्रजापति को आमंत्रित करेंगे मंच पर, जिन्हें मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत अगरबत्ती बनाने के लिए 4 लाख रुपए का सिंबॉलिक चेक दिया जा रहा है। आइए सभी हितग्राहियों का तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, हितग्राहियों को लाभ वितरण करते हुए